बरेली बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ बसपा नेता तौफिक प्रधान ने बसपा छोड़कर मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सदस्यता ग्रहण कर बहुजन समाज पार्टी को बरेली जिले में बड़ा झटका देते हुए मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल होकर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को मजलिस के बारे में संजीदा होकर सोचने पर मजबूर कर दिया। आपको बताते चले, तौफिक प्रधान के मजलिस में शामिल होने से जिले की राजनीतिक में काफी उलटफेर होने की संभावना है। ऐसा माना जा रहा है तौफिक प्रधान के आने से मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन बरेली जिले में काफी मजबूत होगी। इस संबंध में आज तौफिक प्रधान ने अपने निवास पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। देखिए, मकसद ये था जो बसपा के हताबर नेता साहब तौफिक प्रधान साहब जिन्होंने कल शाम को जिला कार्यालय पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ज्वाइन की है, और जैसा कि हमारे बैरिस्टर साहब कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर अगर दलित मुस्लिम गठजोड़ हो जाए तो इंशाल्लाह मजलिस और दलित ये सत्ता पे काबिज हो जाएंगे। जो आज तक हिस्सेदारी नहीं मिली है वो हिस्सेदारी मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? जो हिस्सेदारी के मुद्दे हैं, जो मुस्लिम वंचित रहा, दलित वंचित रहा, उस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। जो मुस्लिम के लिए होगा वो दलित के लिए होगा, हमारी पार्टी पक्षपात नहीं करती। आपने बसपा में काफी अभी चुनाव लड़ा, आखिर ऐसी क्या अहम वजह रही जो आपने बसपा को अलविदा कह के असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में शामिल? बसपा में रह के अभी चुनाव नहीं लड़ा, बसपा में सन 2007 से था। बसपा में जो ओवैसी साहब ने नारा लगाया है कि कब तला दरिया बिछाओगे, तो वो कहीं ना कहीं फील भी होता था। और ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जितने भी दल हैं और मुसलमान जिन दलों में हैं वो वाकई में दरियाँ बिछाने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा मैंने कितने सक्रिय होकर काम किया, कोई भी संदेह नहीं था, मगर कोई मान सम्मान की बात नहीं थी। इस वजह से मैंने सोचा कि अपने ही दल में सही है, अपना कम से कम अपने समाज का तो कुछ ना कुछ भला करेंगे जब अपने दल में होंगे। तो माना ये भी जा रहा है कि 2022 का चुनाव होंगे, तो क्या प्रमुख मुद्दे? देखो, ऐसा है कि अभी मैं चुनाव के बारे में तो कुछ भी नहीं कह सकता। पहले तो हम अपना संगठन मजबूत करेंगे और अपने समाज को जागरूक करेंगे, उसके बाद में लगेगा विधानसभा। अगर संगठन लड़ाना चाहेगा तो लड़ेंगे। वैसे अभी हमारा कोई विधानसभा पे कोई भी दावा नहीं है।